न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी पुलिस के एक दारोगा ने खुद को रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी। सूत्रों की माने तो माइग्रेन से पीड़ित था युवा दारोगा। लगभग 30 वर्षीय दारोगा अरुण कुमार यादव मूल रूप से कानपुर का रहने वाला था। वर्तमान समय में बाराबंकी के कोठी थाने में तैनात था। थाना कोठी में आज एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक अरुण कुमार ने जिस कमरे में रहते थे उसमें अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर प्रथम दृष्टया आत्महत्या कर लिया है। घटना की जानकारी करने के बारे में और मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस कमरे में अरुण कुमार अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर रहते थे उसी में विशेष कुमार पुरी भी रहते थे, वो भी अंडर ट्रेनिंग है। दोनों कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर नगर के। दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए हैं, साथ साथ यहां भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 11 बजे दोनों साथ साथ खाना खाए और लोग भी इसके साथ खाना खाए। खाना खाने के पश्चात विशेष कुमार कुरील यहां पर काम करने लगे और एक प्रार्थना पत्र की जांच लेकर उसकी जांच आख्या तैयार करके अरुण कुमार ने थाना कार्यालय में दाखिल किया। इसके पश्चात अंडर ट्रेनिंग प्रशिक्षणाधीन सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में जब शाम को लगभग 5 बजे विशेष कुमार कुरील जो साथी रहते थे राजकीय कार्यों से खाली होकर जब अपने कमरे की तरफ गए तो वहां देखा तो अंदर से कमरा बंद था। क्योंकि काफी देर तक वो दिखाई नहीं दिए तो तुरंत आके उन्होंने थाना प्रभारी को अन्य पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। चलती हुई बीच रास्ते में बंद हुई पुलिस की गाड़ी। जनकपुर मंदिर के आसपास बंद हुई चलती हुई पुलिस की गाड़ी। लगभग 1 घंटे परेशान होने के बाद ट्रैक्टर का लेना पड़ा पुलिस को सहारा। ट्रैक्टर के सहारे पुलिस की गाड़ी को खींचकर पहुंचाया गया गैराज। रामपुरों से चल रही है जनपद के कोतवाली जरवा पुलिस की गाड़ी। झांसी के थाना क्षेत्र के ग्राम चिरगावा खुर्द निवासी दीपक कुशवाहा का चिरगांव खुर्द में अपने खेत पर धान की पौध में पानी लगाने गया था। शाम को बारिश के साथ बड़ी जोर से आकाश में बिजली को उसी समय बिजली दीप नारायण के ऊपर गिरी जिससे उसके पैर के खाल उतर गई और एक तरफ आकाशीय बिजली का असर होने से घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई। जब वो घर वापस नहीं आया तो उसके परिजन खेत पर देखने गए तो वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। परिजन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए जहां पर डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। कन्नौज में बिजली कटौती से मची हाहाकार। उमस भरी भीषण गर्मी और बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती से सड़कों पर निकले लोग तो सड़क हो गई जाम। लोगों ने किया हंगामा। आधे घंटे तक जाम लगाकर बिजली विभाग के लिए नारेबाजी की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन लोगों को खदेड़ा। ऊर्जा मंत्री के दावे हवाबाजी साबित हो रहे हैं। कन्नौज में बिजली कटौती से लोग लगातार नाराज हैं। झांसी में नहीं थम रहा अवैध खनन का सिलसिला। ग्रामीणों ने की पुलिस से शिकायत। मौके पर पहुंचे पुलिस। वीडियो में पुलिस को देख पुलिस के सामने भागते दिख रही जेसीबी मशीन। इतना ही नहीं वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह ट्रैक्टर भी पुलिस के सामने से भाग रहा था। असंतुलित होकर गड्ढे गड्ढे में जा गिरा। ट्रैक्टर को गड्ढे में गिरते देख ड्राइवर ने कूद कर जान बचाई। ग्रामीणों ने पुलिस को खरी खोटी सुनाते हुए अवैध खनन का आरोप लगाया। मौके से पुलिस भी दबे पांव भागती हुई नजर आई। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रायबरेली में संदिग्ध प्रस्तुति में युवक ने गटका जहरीला पदार्थ। इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत। मृतक भोला पुत्र रामलखन निवासी देवड़िया थाना जगतपुर का निवासी था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेवड़िया गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। मैं डॉक्टर डी पी सरोजा ऑर्थोपेडिक सर्जन आज EMO का काम देख रहा हूँ। हाँ, एक भोला नाम का 25 वर्षीय पेशेंट आया था हमारे पास और जगतपुर CST से रिफ़र किया गया अर्जेंटली, जिसकी हालत बहुत गंभीर थी और जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि वो विषाक्त पदार्थ कोई खाया हुआ था और मैंने उसको प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसको मार्चुरी में रख दिया है और पोस्टमार्टम के लिए PI भेज दिया है। रायबरेली गोल्डन कार्ड में लापरवाही पर DM की बड़ी कार्रवाई। DM ने सरेनी CSC अधीक्षक डॉक्टर अमन पटेल को हटाया। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में DM ने CMO को फटकार लगाई। DM की अध्यक्षता में हुई थी स्वास्थ्य विभाग की बैठक। सरेनी के CSC अधीक्षक डॉक्टर अमन पटेल को हटाया गया। बचत भवन में हुई थी स्वास्थ्य विभाग की बैठक। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से बरामद हुआ अज्ञात बाइक। अज्ञात बाइक कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। कुएं में बाइक देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ग्रामीणों की मदद से बाइक को कुएं से बाहर निकालने में जुटी रही। बाइक के नंबर के आधार पर बाइक मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। बछरावा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मजरे बन्ना गांव की पूरी घटना। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग की पहचान नील कुंवर गुप्ता उम्र 65 वर्ष निवासी पुलिस लाइन शहर कोतवाली के रूप में हुई है। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंचे रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मधुवन क्रॉसिंग के पास की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है।
कुंदन जी, बॉडी कब से पड़ी हुई? बॉडी कम से कम एक डेढ़ घंटे से पड़ी है, कोई यहाँ पे प्रशासन आया नहीं। कैसे घटना हुई है? ये घटना सुबह की है, ट्रेन के हादसा हुआ चंदी ट्रेन से। लगभग कितना बज रहा होगा? 8 बजे। अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे? बॉडी से पड़ी हुई है। बॉडी से पड़ी हुई है। बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। छत पर झोपड़ी में बैठे व्यक्ति पर गिरी आकाशीय बिजली। व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आकाशीय बिजली गिरने से गांव में अफरा-तफरी का माहौल है। 52 वर्षीय चोखेलाल छत पर झोपड़ी में बैठे थे, तभी हादसा हो गया। मामले की जानकारी बिजली SDM को दी गई। बिलसी थाना क्षेत्र के गढ़ौली गाँव का ही पूरा मामला है। अयोध्या पहुंचे नवागत ADG जोन SB शिरोडकर ने पुलिस अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने राम मंदिर परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा के मानकों का गहनता से परीक्षण किया। ADG जोन SB शिरोडकर ने कहा कि राम मंदिर परिसर सहित पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जानकारी ली गई है। आवश्यकता के अनुसार बदलाव की जरूरत होगी, उस पर विचार किया जाएगा। SB शिरोडकर ने कहा कि सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ संस्थानों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट को भी कुछ सुरक्षा के संसाधनों को बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं, जिस पर सहमति का आश्वासन मिला है। कुल मिलाकर अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ ही जनमानस को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने हमारी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, आज मुख्य रूप से मैं यहाँ ADG जोन के रूप में ज्वाइन करने के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और स्कीम को देखने आया था, समझने आया था। यहाँ पर SSP फैजाबाद अयोध्या के द्वारा एक डिटेल में प्रेजेंटेशन किया गया और मंदिर परिसर का पूरा जो है वो भ्रमण करके जायज़ा लिया गया है। बहुत सारी यहाँ पर इनकी योजनाएं हैं और जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें उसके अनुसार बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा भी करनी है। तो सारी व्यवस्था को देखा गया, समझा गया है और काफ़ी चर्चाएँ की है और इसमें सुधार करने की जो भी संभावना है उसको देखा जा रहा है। ललितपुर के थाना जाखलौल अंतर्गत पिता और बेटे पर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। जिला अस्पताल में जहां बेटे को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं पिता का इलाज जारी है। थाना जाखलौल में दूसरी तरफ आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ चपेट में आ गई, जिसके उसकी भी मौत हो गई। बरेली थाना दिसनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भूता के खटेली गांव की घटना, जमीन पर कब्जे को लेकर भूमाफियाओं द्वारा चलाई गई राउंड गोलियां। थाना इज्जतनगर की भूमि का फिर से संदेह के घेरे में पुलिस घटना को दबाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ही 100 फुटा फायरिंग कांड से दहले बरेली में SP द्वारा पूरे थाना इज्जतनगर पर गाज गिरी थी और स्वयं SSP का भी बरेली से ट्रांसफर हो गया। दोषियों पर कठोर कार्रवाई भी जारी है। खुद ने SSP द्वारा देर रात अपना पदभार ग्रहण किया गया। अब देखना है कि बरेली में शासन प्रशासन को चुनौती दे रहे बेखौफी अपराधी और अपराध को नए कप्तान साहब किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बीती रात ट्रक और आइसर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें आयशर ड्राइवर बुरी तरह से गाड़ी में फंस गया। राहगीरों ने काफी कोशिश की ड्राइवर को निकालने की, लेकिन नाकामयाब रहे। 112-108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंचे, किसी तरह से उसे निकाला है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लूट के आरोपी को पकड़ने गए SOG और पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। आरोपी को पकड़ते समय ग्रामीणों ने छुड़ाने की कोशिश की, बमुश्किल टीम आरोपी को पकड़कर लाई है। आगरा थाना ताजगंज से ही लूट का आरोपी है। आगरा थाना किरवाली क्षेत्र के मिड़ाकुर गाँव का आरोपी है गोपाल। रायबरेली में मरीज को मिलने वाली सरकारी दवाएं नाले के किनारे पड़ी मिली। बड़ी संख्या में दवाइयां मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोवा चौराहे के पास स्थित शोभ नाले का है, जहां पर सुबह नाले के किनारे बड़ी संख्या में सरकारी दवाइयां, टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, ग्लूकोज की छोटी बोतल मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने CIU और एंटी ड्रग नारकोटिक्स टैक्स फोर्स के साथ ही शहर में दुपहिया वाहन की जागरूकता रैली निकाली। रैली को CO नरेंद्र नगर अस्मिता मंगई ने हरी झंडी दिखाई। रैली में शामिल सैकड़ों लोगों को नशा नहीं करने की शपथ भी पुलिस ने दिलाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन जो है हमारा चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत आज टिहरी पुलिस द्वारा एक पब्लिक में अवेयरनेस की जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाइक और स्कूटी रैली हमारे द्वारा निकाली जा रही है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है और म्यूज़िक के द्वारा यहाँ पे पब्लिक को जो है अवेयर किया जा रहा है। और हम इसके बाद रैली कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक शपथ लेंगे कि हम ना ही हम कभी ड्रग्स का सेवन करेंगे और पब्लिक में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उसको उन लोगों को इस सब चीज़ों से दूर रख सकें।
गरीब महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का एक और प्रयास होता दिखाई दिया है। ये प्रयास राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने जनहित में कार्य करने वाले नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट को 5 सिलाई मशीन उपलब्ध कराई है। ट्रस्ट की ओर से ये मशीन गरीब महिलाओं को वितरित की जाएगी, जो मशीन चलाकर स्वरोजगार से जुड़ेंगे। फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव में एक परिवार के दो भाइयों के झगड़े में गोली चल गई। पड़ोस में रहने वाली महिला के पेट में गोली लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। गंभीर हालत में महिला को आगरा रेफर किया गया। जसराना क्षेत्र के गांव कटेना हर्षा में दो भाई सुधीर और सर्वेश में शराब पीकर हुई आपसी झगड़े में चली गोली से पड़ोसी महिला के लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भाई मौके से फरार हो गए। दोनों भाई को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन हो चुका है। देखिए, आज रात्रि लगभग 10:30 बजे गांव कटेना हरसा थाना जसराना में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद सीओ जसराना और एसओ जसराना मौके पर गए। वहां जाने पर पता चला कि एक फैमिली में दो भाई सुधीर और सर्वेश, ये दोनों शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों में से किसी ने गोली चलाई और वह गोली पड़ोस में रहने वाली एक महिला के यहां पेट के पास लगी है। उनको तत्काल हम लोगों ने फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है, जहां से उनको आगरा रेफर किया गया है। वहां एडमिट हुई हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये दोनों भाई अभी घर से भागे हुए हैं। हमने तत्काल उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई हैं। जो ये महिला घायल महिला है, उनके परिवार से हम लोगों को तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से विचना का निस्तारण किया जाएगा। हैदराबाद से IMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने थाना अकमदुल्ला में ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी। थाना अकमदुल्ला के बाहर असदुद्दीन ओवैसी का अफू का पुतला का भारत में रहकर विरोधी देश के नारे लगाने वालों को देश से किया जाएगा बाहर, मुकदमा दर्ज करने को लेकर तहरीर दी गई। संजय जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। देखो, जिस तरीके से ओवैसी ने माननीय संसद की गरिमा को दूषित किया, भंग किया। ओवैसी ने कहा जय फिलिस्तीन, तो जय फिलिस्तीन कहकर क्या वो प्यार दिखाना चाहता है? क्या हैदराबाद को तेलंगाना को फिलिस्तीन में मिलाना चाहता है? आज हम लोगों ने थाना एतमादोला में तहरीर दी है, पुतला दहन किया है। पुतला दहन के साथ हमने सांकेतिक पुतला दहन के बाद ओवैसी को कहा है कि अगर तुझे इतना फिलिस्तीन से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, तू 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की धमकी देता है तो क्या संसद में तू इसी ने सुन के आया था? क्या इंडिया के जो गठबंधन के सांसद इसी तरह चुन के आए थे कि ऐसे दूसरों परिणाम दिखाने के लिए यहाँ पर जो किया है? आज हम लोग तहरीर दिया, मुकदमा खत्म कराने के बाद इसको जेल भेजने का काम आगरा किया थाना एतमादोला पुलिस करेगी, लेकिन किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन या भारत माता विरोधी के नारे नहीं लगने दिए जाएंगे। वो माफिया राजीव राणा पर कसा पुलिस प्रशासन का सिकंजा। टीम ने राजीव राणा के होटल और मार्केट को तोड़ा। बीडीए की टीम 3 बुलडोजर लेकर पहुंची होटल। सीओ के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। कब्जे के लिए पीलीभीत हाईवे पर करीब 1 घंटे तक 100 राउंड हुई फिल्मी स्टाइल में फायरिंग। बरौली जोन के नवागत तेजतर्रार एसजी रजीश शर्मा, एसएसपी अनुराग आर्य ने ज्वाइन करते ही सख्त कार्रवाई की है। आगरा एडीए के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई जारी। बोदला क्षेत्र में बन रही 7,000 वर्ग मीटर में अवैध प्लॉटिंग कार्य पर कार्रवाई। नाली सड़के के निर्माण का जेसीबी से कराया गया ध्वस्तीकरण। हरदोई के शाहबाद कोतवाली इलाके में पुलिस अभिरक्षा से पुलिस पर फायरिंग करके भागने की फिराक में एक बदमाश की मुठभेड़ से हो गई पुलिस से, और जिसमें गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल में एसपी ने पहुंचकर घायलों से पूछताछ की। घायल बदमाश रातिल टेरा है और अपने साथियों के साथ जनपद में कई लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके 2 साथी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पूरा मामला किस तरह का ये क्राइम करता है और कैसे ये मुठभेड़ हुई है? ये शाहबाद क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मिर्चा आँख में फेंक कर प्रयास किया गया था शराब के ठेकेदारों से छीनने का। इसी तरह पाली में एक घटना हुई थी, तो हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी, स्वाट टीम भी लगी थी और निरंतर कार्रवाई चल रही थी थाने की टीम से। इसी बीच कल आज जो है सुबह में चेकिंग चल रही थी तो 3 लड़के संदिग्ध रूप से आते हुए दिखाई पड़े तो रोका गया, तो जिसमें से 1 पकड़ में आ गया और 2 भाग गए थे। श्रावस्ती में नवागत डीएम अजय कुमार द्विवेदी पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेसवार्ता का डीएम ने अपना परिचय देते हुए पत्रकारों का जाना परिचय, साथ ही पत्रकार से डीएम ने जिले की विभिन्न समस्याओं को जाना है। डीएम ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता होगी, साथ ही जिले के हर काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जनपद श्रावस्ती एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, महत्वाकांक्षी जनपद है। यहाँ पे सरकार का विशेष फोकस है, नीति आयोग का फोकस है। यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी मूल समस्याएं हैं, जिसमें अभी भी काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत है। जो भी पूर्व में यहाँ प्रयास किए जाते रहे, अच्छे प्रयास किए गए हैं, उसको भी आगे बढ़ाएंगे और जहाँ कहीं भी कोई नई पहल की आवश्यकता होगी किया जाएगा।
लोगों के द्वारा भी अवगत कराया गया। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि संबंधी जो मसले हैं उन पे मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बेहतर से बेहतर उसमें प्रयास करके उसे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।